21 तारीख को एक सुबह में डबल मर्डर का केस हुआ था, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारी थी। उसी संदर्भ में कई टीमें गठित हुई थी और जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उसी दबिश के दौरान हमें जो नामजद थे, जिसमें राजेंद्र उपाध्याय और जो बाद में प्रकाश में आए मनचंदा उपाध्याय, जो उनके पुत्र हैं, जो कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, इन दोनों की अरेस्टिंग जो है वो हुई है। और बाकी तीन नामजद जो हैं इसमें, उनके लिए लगातार दबिशें जो हैं वो चल रही हैं और बहुत जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। इसमें इस्तेमाल की गई जो गाड़ी है और जो चौपड़ है वो भी हमें मिल चुका है, और आगे के जो तीन और बचे हुए हैं उनको हम बहुत जल्दी ही अरेस्ट करके उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। सर, हत्या का कारण क्या बताया गया, क्यों मारे हैं? ये काफ़ी पुराना विवाद है इनका। आप दोनों भाई हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, जजमानी को लेकर के विवाद था, एक दूसरे के ऊपर लगातार पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर FIR जो है वो किया जाता रहा है पहले भी। अभी हाल ही में ये एक लंबी प्लानिंग चली थी, पिछले 10-15 दिनों से प्लानिंग थी इस मर्डर को लेकर के, और उसके बाद इस तरीके का इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो सर, उनके भाई, छोटे भाई भाई और भाभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? अभी वो नहीं अरेस्ट हो पाए हैं, लगातार हम दबिशें दे रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी ही हमारे पास लीड है, बहुत जल्दी ही हम वो अरेस्ट कर लेंगे। क्या क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से जो भी CCTV कैमरे के माध्यम से जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था, बाइक हमें मिली है, और जिस चौपर के माध्यम से इन्होंने उसके ऊपर प्रहार किया था गोली मारने के बाद, वो भी हमें बरामद हुआ है।